अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह, विभाग संयोजक नवनीत शर्मा, कॉलेज के प्रधानाचार्य आर.एन. गुप्ता, शिक्षक कौशल किशोर तिवारी सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान परिषद के सदस्यों ने परिषद के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कॉलेज के छात्रों को परिषद के साथ जुड़ने और समाज हित में सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के विभाग संयोजक नवनीत शर्मा ने कहा, ये कोई बिजनेस या कोई व्यापार कुछ नहीं, ये हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, और विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये काम विद्यार्थी परिषद करती है। विद्यार्थी परिषद का कोई ऐसा काम नहीं है कि वो पैड पेन ली हुई है, आपको लिखना पढ़ना है, केवल एक उसका यही काम नहीं, वो आपके साथ चलती है। और चलने में क्या करती है, आप विद्यार्थी हो ना, आपके साथ विद्यार्थी परिषद चलेगी तो क्या करेगी, वो भी विद्यार्थी बनकर चलेगी, वो भी आपके साथ पढ़ाई करेगी। लेकिन और क्यों आती है आपके पास, सब अलग से आपसे बात करने क्यों आती है, आपको विद्यार्थी मानते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम लोग का और क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी हैं हम लोग, विद्यार्थी होने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके साथ, हम लोग का और क्या कर्तव्य है। हम लोग आज ऐसी नींव पे खड़े हुए हैं, ये हमारी ऐसी नींव है, यहीं से हमारी हम लोग की पूरी जिंदगी, पूरे समाज की शुरुआत यहाँ से होने वाला है। हम लोग आगे भविष्य के कर्णधार हैं, हम ही लोग इस समाज के भविष्य बनने वाले हैं। आज हम हंसते हैं, कोई बात करता हमको समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है, लेकिन हमको दो चीजों को सोचना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई किसी बात को रख रहा है, कोई विषय को रख रहा है, तो उसके पीछे मात्र एक उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य में हम समाज के कर्णधार बने, इसके लिए वो हमारे पास आता है। हमको चाहता है हम समाज में बढ़े, इस विद्यालय का किसी महाविद्यालय में जाए, इस विद्यालय इस कैंपस में, इस विद्यालय में आते हैं तो हम लोग को तो बहुत कुछ लगता है, हमारे शिक्षक है वो तो हमको अच्छा ही पढ़ाएंगे, विद्यालय में आ गए तो अनुशासन करना ही है, सारी चीजें हैं, स्वच्छता कैंपस में कहा जाएगा वो तो हमको करना ही है, लेकिन जो हम समाज में निकलते हैं, जब सड़क पे जाते हैं, सड़क पे लोगों को, अपने बराबर विद्यार्थियों को देखते हैं, अपने बराबर बच्चों को देखते हैं, वो सड़क पे कहीं घूमते हैं, कोई पॉलीथीन बीनता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं कूड़ा लेके जाता है, कोई किसी समाज में किसी दुकान पे काम करता है, हमको सोचना चाहिए वो हमारी तरह विद्यार्थी है। आज हम लोग का क्या शौक है, केवल एक शौक है, कपड़ा पहने, पैंट शर्ट पहने, टाई लगाए और चल दिए विद्यालय, क्यों गए, पढ़ाई करने, पढ़ाई करके क्या करेंगे आप, मम्मी पापा आज आपको पढ़ा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, यही हम लोग को भी करना है कि हम लोग को पढ़ाया गया है, फिर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाए चले गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर इस बार एक अभियान चलाया है, सेल्फी विथ कैंपस। इस अभियान का उद्देश्य मात्र एक है कि जहाँ जहाँ विद्यार्थी परिषद अब तक नहीं पहुँच पाई है, जिन जिन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की पहुँच नहीं है, वैसे छात्र जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, देश की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वो या तो उसका कारण पिछड़ेपन हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने इस बार तय किया है कि हम उन कैंपसेस तक इस बार जाएंगे, उन विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, उन ग्रामीण अंचल के जो ब्लॉक स्तर के विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, वहां तक जाएंगे और विद्यार्थियों से संपर्क करके देश में ऐसे तमाम प्रकार के इनोवेटिव काम हो रहे हैं, विद्यार्थी परिषद भी कई प्रकार के इनोवेटिव कार्य करती है, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़कर समाज के लिए, देश के लिए कुछ नेतृत्व देने का काम करेगी। इस उद्देश्य से ये अभियान सेल्फी विद कैंपस विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया है, उसी की कार्यशाला